वेलकम टू ओलिवबोर्ड। आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाई गई है एसएससी स्टैटिक जीके सीरीज़। तो एसएससी स्टैटिक जीके सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी में काम आएगी। एसएससी में तो काम आएगी ही आएगी, यह आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर भी काम में आएगी और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब जगह आपके काम में आएगी। ये तो 110 नेशनल पार्क्स में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट वन है, 50 के अराउंड इसमें कर लेंगे, 60 के अराउंड नेक्स्ट के अंदर कर लेंगे। 110 है तो 110 ही है, चाहे आप इनको काउंट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो देखते ही डिसीजन लेना है आपको कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका मन करे सब्सक्राइब करने को। चलिए सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। नवेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क एंड गुगामल नेशनल पार्क। ये कहाँ है, सारे कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं चीज़ें बताता हूँ आपको कि किसके थ्रू हम याद करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, नाव दिख रहा है आपको, ठीक है। एक गुगामल है, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है हमें। कैसे याद रखेंगे हम इसको कि गुगामल ने हमें एक स्टोरी सुनाई है कि एक नाव थी, ठीक है। एक नाव थी, वो पहले तो डोलने लगी, डोली इधर उधर, ठीक है, फिर डूब गई। तडोबा में डूबना, ठीक है, फिर वो डूब गई। एक नाव थी, वो पहले तो डोली फिर डूब गई। ये किसने बताई है कहानी? गुगामल ने, ठीक है। गुगामल ने बताई है ये कहानी, और कहानी कब बताई? जब हम रास्ते में थे, ठीक है, रास्ते में से राष्ट्र, ठीक है, रास्ते में थे तो गुगामल ने एक कहानी सुनाई कि एक नाव थी, वो पहले तो इधर उधर डोली फिर वो डूब गई, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा कि नवेगांव, नवेगांव आते ही नवे से नाव आ जाएगा दिमाग में, नाव चंडोली, ठीक है, डोली नाव डोली, तडोबा डोबा से डूबना, और गुगामल ने कहानी सुनाई है कि जब मैं रास्ते में था तो मैंने ये कुछ देखा। नेक्स्ट है भीतरकनिका। भीतरकनिका में देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, भीतरकनिका को, भीतर कनिका, ठीक है। तो भीतर कनिका के अंदर ये देखिए, भीतर नाम दिख रहा है, भीतर का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। तो जब आप कोई आप डिश ठीक करते हैं अपनी, पहले टाइम में एंटीना हुआ करते थे, एंटीना इस शेप के हुआ करते थे, टी शेप में, ठीक है। तो आप क्या कहते थे कि भाई ठीक है मैं ठीक करके आता हूँ, ठीक है, तू भीतर रह, भीतर रहे, मैं डिश को ठीक करके आता हूँ, डिश से ओडिशा, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। तो इसको याद कैसे रखेंगे? दुधवा में देखिए दूध नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पर्दे नाम दिख रहा है आपको, है ना, पर्दे, ठीक है। तो पर्दे कौन से रंग के लाने हैं? दूध रंग के लाने हैं, मतलब बिल्कुल सफ़ेद रंग के लाने, ऐसे याद रखिए। कोई कह रहा है कि पर्दे ले आना और दूध रंग के ले आना, ये आप कैसे सोचेंगे इसको कि जो दूध रंग वाले पर्दे हैं उनको उतार दो, उतार दो से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश दिख रहा था तो आप कन्फ्यूज़ होते, अब तो उतारने वाले भी ट्रिक बता दी साथ में कि उतार दो पर्दे। नेक्स्ट है कालेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि सुल्तान ने कहा कि जिनके सर काले हैं, सुल्तान ने क्या कहा, सुल्तान ने कहा कि जिनके सर काले हैं, काले से काले सर आएगा दिमाग में, ठीक है, उनके हरे कर दो, उनके हरे कर दो। सुल्तान ने क्या कहा कि जिनके सर काले हैं उनके हरे कर दो, हरे से हरियाणा। नेक्स्ट है अन्नमुड़ी पंबड़म सोला, अन्नमुड़ी सोला, पंबड़म सोला, इरविकुलम सोला, ठीक है। तो ये तीनों हैं जिनके सोला सोला, ठीक है, और इरविकुलम नाम से भी आप सोला सोच लीजिएगा कि ये तीनों क्या है, सोला वाले हैं। तो सोला वाले कहाँ पे होते हैं? हमेशा केरला के अंदर होते हैं। जहाँ पे भी आपको नाम सोला दिखे वो केरला दिखना। कैसे? इसकी ट्रिक क्या है? करेले का जूस सोले से कम नहीं, सोले से कम नहीं। आपको पता है मैं हमेशा केरला को करेले से कनेक्ट करता हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए। करेले का जूस सोले से कम नहीं, करेले का जूस पीना सोले से कम नहीं है, ठीक है। सोले होते हैं अंगार के। नेक्स्ट है पान, वन विहार, पेंच, सतपुरा, ये सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो इनके नाम पे जाइए, कैसे? पन्ना,
ठीक है, पन्ना। और यहाँ पे क्या है, वन विहार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पांच या पेंच आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सतपुरा यानी सात, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मध्य प्रदेश वाले पन्ना, वन विहार, पेंच और सतपुरा, तो इसको सिंगल में कनेक्ट करते हैं कैसे, कि जब एक कॉपी बनती है ना, ठीक है, कॉपी बनती है तो उसमें क्या चाहिए होता है, पन्ने चाहिए होते हैं हमें, पेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब पांच से सात वृक्ष काटे जाते हैं ना, पांच सात वृक्ष, देखिए आप बस सुनते जाइए, आपको नोट नहीं करना है ये, एक बार जब आप पूरी देख लेंगे वीडियो और जब भी दोबारा आपको नाम दिखेगा पेंच, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ पांच सात वृक्ष काटे जाते हैं, पांच सात जब पेड़ काटे जाते हैं तब एक पन्ना तैयार होता है, ठीक है। और ये पेड़ काटे कब जाते हैं, मध्य रात्रि के अंदर, मध्य रात्रि के अंदर काटे जाते हैं, क्यों, क्योंकि दिन में तो कोई काटने नहीं देगा, पेड़ नहीं काटने देते, ये कानून है कि पेड़ नहीं काटने हैं, ठीक है। तो एक पन्ना बनाने के लिए वनों में जाते हैं लोग, ठीक है, कब, मध्य रात्रि को, और पांच से सात वृक्ष काटते हैं एक पन्ने को कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिहार के अंदर है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, वाल्मीकि देखिए कैसे लिखा जाता है, वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि में मिकी माउस नाम दिमाग में आएगा आपके, मिकी दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मिकी माउस आना चाहिए आपके दिमाग में। और माउस क्या करते हैं, जल्दी से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, उन्हें डर रहता है। माउस क्या करते हैं, हमेशा बिल के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, अपने घर के अंदर रहने की कोशिश करते हैं। तो वाल्मीकि से मिकी, मिकी से मिकी माउस, बाहर नहीं निकलते। नेक्स्ट है धचिगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसको याद कैसे रखेंगे, धचिगम में देखिए सिंघम दिमाग में आ रहा है आपके, ठीक है, और नहीं आ रहा तो लेके आइए दिमाग में, वरना कोई और दिमाग में ले आएगा और आपकी सीट ले जाएगा। तो सिंघम नाम में दिमाग में आएगा आपके, ठीक है। तो सिंघम की ज़रूरत कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे घुसपैठिए आते हैं दूसरे देश की तरफ से या किसी भी तरफ से, ठीक है, तो वहाँ पे सिंघम जैसे पुलिस वालों की या फोर्सेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दोनों ही है कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और ये गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। अब याद करते हैं इनकी ट्रिक कि कैसे याद रखेंगे हम इनको, तो आप इसके अंदर ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मन्नार में दिख रहा है मन्नार, ठीक है, और मारी, ठीक है, और यहाँ पे गुंडे दिख रहा है आपको नाम, ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी। अब इन तीनों को कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी, इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, ठीक है, और गुंडों को मारूंगी, गुंडों को मारूंगी, ठीक है, कनेक्ट कीजिए चीज़ों को, मैं नारी हूँ गुंडों को मारूंगी, किसने कहा ये, किसने कही ये बात, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। तो आपको याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा, मैं गुंडों को मारूंगी, ठीक है, गुंडों से गुंडी, और मारूंगी से मैं नारी हूँ फिर भी मारूंगी, ठीक है। या आप कैसे याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नारी थी फिर भी गुंडों की छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। और हाँ, इसको तमिलनाडु से कैसे कनेक्ट करेंगे, अब इस वजह से इनके साथ हर कोई मिलना चाहता है, ठीक है, मिलना चाहता है इसे, मिलना तमिलनाडु। नेक्स्ट है मुडुमलाई मुकुरथी, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मुडुमलाई एंड मुकुरथी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में हम फिर वापस मिलना से लेके आएंगे कि हम किसी से मिले, ठीक है। अब देखिए दिमाग में ट्रिक्स कैसे बनती है, मैं कहीं से ट्रिक्स लेके आया हूँ और फिर यहाँ पे यूज़ कर ली, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव ट्रिक है, आप देख लीजिएगा कहीं पे ये ट्रिक आपको मिल जाए तो। हाँ, इस डेट के बाद आपको मिले तो हो सकता है कि कोई हमसे कॉपी करे, लेकिन ओलीवुड आपको हमेशा नई ट्रिक देगा। अगर आपको किसी दूसरे की ही ट्रिक चुरा के देनी होती तो हम सीधा सीधा बता देते कि आप वहाँ से देख लीजिए, है ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका, हम चाहते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव और बिल्कुल ऐसी ट्रिक्स हो कि मुदुमलाई नाम दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तमिलनाडु के अंदर है। तो याद कैसे रखेंगे, मुकुरथी में देखिए कुर्ती नाम दिख रहा है आपको, पहनने वाली कुर्ती की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं कुर्ती लाने गई, ठीक है, कुर्ती लाने गई तो मलाइका अरोड़ा से मिली,
ठीक है, मलाइका से मिली, मिलने, मिली से मिलना, ठीक है। मलाइका अरोड़ा से कब मिली? जब मैं कुर्ती लाने गई बाजार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसकी ट्रिक क्या बनेगी। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि नामदफा, नामदफा ठीक है, इसको लिखा कैसे जाएगा? नामदफा, ठीक है। तो किसी ने कहा दफा हो जाओ तो कोई रोने लग गया, ठीक है। कुछ जब कोई कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तो अगले अगला रोने लग गया, ठीक है ठीक है। और मोलिंग का आप बताइएगा, मोल से कनेक्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। मोल का मतलब क्या होता है? प्राइस। नेक्स्ट है सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क एंड जल्दपारा नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो हम इसको सिंगल चीज़ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इसको हटा सकते हैं, नेवरा वैली कई बार पेपर्स के अंदर नहीं पूछा गया है, तो आप इसको हटा सकते हैं, बट एक बार नज़र में रखिएगा क्योंकि साइलेंट वैली केरला के अंदर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे नेवरा वैली पूछा जा सकता है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं अभी इनको कनेक्ट करने की। कैसे? देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो चीज़ों की वजह से हम इनको कनेक्ट करेंगे। सिंगल लीला में गाली नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, गाली, ठीक है। मारा, गोरू मारा में मारा, देखिए चीज़ों को कैसे हम बिल्कुल सिंपल दिमाग से सोचेंगे तभी आएगी। ऐसे सोच आप बैठ गए कि मेरे को ट्रिक्स बनानी है, फिर नहीं बनेंगी ट्रिक्स। आप ये सोचिए कि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है गोरू मारा के ऊपर, आप इसको याद कैसे रखेंगे आपके पेपर में ना भूलें, तभी आपके दिमाग में आएगा सही, ठीक है। बक्सा में बक्सा, बक्सा किसको बोला जाता है? एक बॉक्स को बोला जाता है, ठीक है। और जल्द पारा से जल्द पारा याद रखेंगे, ठीक है। अब करते हैं कोशिश इनको कनेक्ट करने की एक ट्रिकी वे के अंदर। किसी ने गाली दी, ठीक है, तो उसको मारा पहले तो, ठीक है, फिर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। किसी ने गाली दी, फिर उसको जब गाली देगा कोई तो मारेगा, ठीक है, हालांकि मारना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग चीज़ है। गाली दी तो किसी ने मारा और उसको बॉक्स में बंद कर दिया, तो उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है। पारा बोलते हैं मर्क्यूरी को, ठीक है, तो मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है। पारा मतलब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, जब कोई गाली देता। तो गाली दी तो मारा, मारा कर बॉक्स में बंद किया, फिर पूछा कि क्यों मारा, तो कहते हैं मेरा पारा जल्दी हासिल जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर सॉरी पारा ऊपर चला जाता है। अब इसको ये देखना है कि वेस्ट बंगाल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इस ये जब पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी कि गाली दी फिर मारा फिर बॉक्स में बंद कर दिया, फिर वो कहता कि मेरा पारा जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो आप इसको अब ये सोचिए, जो सुन रहा है वो कहेगा कि ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ें वेस्ट हैं, ठीक है, दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई गाली दे तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, ठीक है, तो ये चीज़ें वेस्ट हैं से वेस्ट बंगाल। आप चिंता मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस एक बार दो बार वीडियोस देखते रहिए। जब भी एग्जाम्स आए एक बार ये वीडियो स्पीड मोड में देख ली, आपको ज़रूरी थोड़ी है नॉर्मल स्पीड में देखनी है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप 1.25 टाइम्स भी करके देख सकते हैं, 2 टाइम्स भी करके देख सकते हैं, अगर स्लो चाहिए आपको तो 0.25 टाइम्स भी देख सकते हैं। तो एक बार जब देख ली फिर इसको 2 टाइम पे करके स्पीड में देख लीजिए, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कॉपी बनाने बैठ जाएं आप। नेक्स्ट है सिंबल बारा, सिंबल बारा खीरगंगा इंद्र किला पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो न्योरा वैली का यहाँ पे देखिए, न्योरा वैली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। पिन वैली आपसे पूछा जाए तो हिमाचल के अंदर है, साइलेंट वैली पूछा जाए आपसे तो केरला के अंदर है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं सिंबल बारा, खीरगंगा, इंद्र किला एंड पिन वैली नेशनल पार्क। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी अपनी? देखिए इसको अलग रखते हैं, पिन वैली, साइलेंट वैली एंड न्योरा वैली, ये मैं आपको बाद में ट्रिक के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इनको ऐड करने की। कोशिश क्या करते हैं, मैं आपको सिखा तो दिया है कि ट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करनी होती है, अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सिंबल बारह में देखिए सिंबल नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, खीर गंगा में गंगा नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, और इंद्र किला में इंद्र दिख रहा है आपको, और आपने सुना होगा राजा इंद्र, ठीक है,
राजा इंद्र। राजा इंद्र क्या है? वर्षा करवाते हैं। ये माना जाता है कि वर्षा करवाना राजा इंद्र के हाथ में होता है, ठीक है? तो राजा इंद्र ने एज अ सिंबल अपना, वो खुद तो स्वर्ग में रहते हैं, देखिए ये सारी मानी गई चीज़ें हैं, ये ऐसा होता है कि नहीं होता इस पे नहीं जाना हमें, ठीक है? हमें बस याद करना है कि भाई सिंबल बारह आ जाए तो एक ऐसी ट्रिक हो हमारे पास कि हाथों दिमाग में हिमाचल प्रदेश आए, ठीक है? तो देखिए, इंद्र, राजा इंद्र ने एज अ सिंबल अपना, क्योंकि वो धरती पे नहीं रहते तो एज अ सिंबल उन्होंने गंगा दे दी धरती को, ठीक है? तो एज अ सिंबल धरती को गंगा दे दी। अब वो महादेव ने दी या किसने दी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि इंद्र ने गंगा दे दी एज अ सिंबल, ठीक है? कि बारिश हर टाइम नहीं करवा सकते तो गंगा दे दी, और उस गंगा के अंदर क्या किया, मछलियां डाल दी, मछलियां डाल दी, मछली डाल दी। मछली से ये देखिए, मछली नाम दिख रहा है आपको हिमाचल में, मछली, ठीक है? हिमाचल में मछली। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि राजा इंद्र ने एज अ सिंबल गंगा दी और उसमें मछली डाल दी, मछली से हिमाचल। और हमने सब पूरी एक सिंगल ट्रिक की है, तो इसको लाइन में लिख लीजिएगा कि राजा इंद्र ने एज अ सिंबल गंगा दी और मछली डाल दी। नेक्स्ट है वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। तो ब्लैक बक आपको पता होगा, काला हिरन को बोलते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या बनेगी आपकी, ब्लैक बक में देखिए ब्लैक नाम दिख रहा है आपको, तो ब्लैक क्या होती है, रात होती है, ठीक है? तो रात से गुजरात आएगा दिमाग में, ठीक है? और यहाँ पे दिख रहा है वंसदा, वंसदा, ठीक है? वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। तो कोई भी क्या करता है कि मेरे वंश के ऊपर जरा भी आंच ना आए, जरा से जरा, ठीक है? ठीक है, तो और जरा नाम आते ही गुजरात बन जाएगा। तो अब हर कोई चाहता है कि मेरा वंश सदा सुरक्षित रहे, जरा भी आंच ना आए उसके ऊपर। तो याद हो जाएंगे, ब्लैक से ब्लैक क्या होती है, रात होती है, तो ब्लैक से ब्लैक बक, गुजरात। सिरोही नेशनल पार्क, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। तो इसको याद करने की मैं ट्रिक लिख देता हूँ, इसके अंदर काबुल के अंदर, काबुल में हर सिर के ऊपर, मणि है, ठीक है? काबुल के अंदर, काबुल एक जगह है, काबुल के अंदर हर सिर के ऊपर, देखिए सिर से सिरोही, हर सिर के ऊपर काबुल के अंदर एक मणि है, ठीक है? मणि से मणिपुर आ जाएगा दिमाग में, और मणि सिर के ऊपर ही होती है, तो ये ट्रिक भी आपको याद रह जाएगी आसानी से। नेक्स्ट है माउंट हैरियट। अब देखिए मैं इसको दो तीन स्लाइड आपको इकट्ठी दिखाता हूँ, फिर हम ट्रिक करेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक बनेगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन, ठीक है? तो बटन नाम दिखे तो इसी से याद आएगा सब कुछ आपको, देखिएगा क्या कर लिया हमने, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन, रानी झांसी नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, सेडल नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एंड गलतेया नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। अभी मैं इसको सारों को एक अंदर कनेक्ट करता हूँ, देखिए कैसे। एक हैरी नाम की लड़की थी, ठीक है? हैरी नाम की एक लड़की थी, उसने मतलब वो अपने कपड़े डालती थी जो भी होते थे, ठीक है? तो एक आदमी क्या कहता, जिसका नाम कैंपबेल था, ठीक है? जिसका नाम कैंपबेल था, कैंपबेल ने हैरी को क्या कहा कि ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब वो स्टीरियोटाइप था, स्टीरियोटाइप था मतलब पुरानी सोच वाला था। तो वो उस पुरानी सोच वाले ने कहा कि ऐसे ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए, ये बटन बंद करो, वो बटन बंद करो। तो इसका मतलब बटन से जो भी आपको नाम दिखे, तो वो कहानी है हैरी की और कैंपबेल की, ठीक है? तो कैंपबेल ने कहा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो महात्मा गांधी जो हमेशा मॉडर्न थिंकिंग के थे, वो सोचते थे कि देश प्रगति करे, तो उन्होंने कहा, वो सैड हो गए, वो क्या हो गए, सैड हो गए, और उन्होंने कहा कि इतनी गलत सोच कैसे हो सकती है किसी की,
महात्मा गांधी ने कहा कि इतनी गलत सोच कैसे हो सकती है किसी की, ये सोच के वो सैड हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा देश रानी झांसी का देश है, ठीक है, रानी झांसी जैसे वीरांगनाओं का देश है, और हमें ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए कि ऐसे कपड़े डालने हैं कि नहीं डालने। तो ये देखिए, हमने कनेक्ट किया, हैरी हैरी को किसने कहा? कैंप बेल ने कहा। तो ये ट्रिक और ये ट्रिक आपकी कवर, ठीक है। देखिए, हैरी को किसने कहा? कैंप बेल ने कहा। हैरी को कैंप बेल ने कहा कि ये बटन बंद करो, वो बटन बंद करो, से बटन से आपके दिमाग में आएगा बटन, ठीक है। और सैड कौन हो गए? गांधी जी। गांधी जी सैड हो गए। क्यों? गांधी जी ने सोचा कि ये कितनी गलत सोच है, और वो ये सोच के सैड हो गए। और उन्होंने क्या कहा? भाई ऐसी सोच रखते हो, निकलो बाहर, निकलो बाहर से निकोबार। निकोबार आते ही अंडमान एंड निकोबार दिमाग में आएगा आपके। देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी, सीखने को भी मिला और हमें याद भी हो गए। नेक्स्ट, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। अब याद कैसे रखें इसको? राजा, राजा से देखिए, राजा कभी किसी को उत्तर नहीं देता, राजा को उत्तर देना नहीं पड़ता किसी को भी, ठीक है। एक तानाशाही देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो राजा होता है वो किसी को उत्तर नहीं देता, जो उसने कह दिया वो रूल होता है। पुराने टाइम में भी ऐसा होता था, राजा ने जो कह दिया वही कानून है, ठीक है। तो राजा जी से उत्तरा से उत्तर नहीं देना पड़ता, से उत्तराखंड आ जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट है नंदा देवी, ठीक है। नंदा से क्या है? नंदी, नंदी बोलते हैं बैल को बोलते हैं, ठीक है। नंदी जो होता है वो क्या होता है? एक पशु होता है, नंदी एक पशु होता है, और वो फ्लावर्स खाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो फ्लावर्स खाने की कोशिश करता है, तो जो बाग में है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि तेरे हाथ में रख एक डंडा, तेरे हाथ में रख, तेरे हैंड में एक डंडा रख। क्यों? क्योंकि नंदी नाम का जो पशु है वो फ्लावर्स खाता है, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा कि हाथ में हैंड, ये देखिए हैंड है HANDY, ठीक है, हैंड में रख। तो इससे आपको याद रह जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पशु विहार, पशु से आपके दिमाग में आएगा नंदी, नंदी था वो क्या करता था? फूल खाता था। तो तीनों दिमाग में आए आपके, देखिए एकदम से। और वो उसको दूर करने के लिए फूल कौन खाने देगा भाई अपने बाग के? तो क्या? हैंड में रख, हैंड से उत्तराखंड। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इसकी प्रिंटेबल PDF चाहते हैं, तो सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर, ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस ग्रुप के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके कमेंट कीजिए कि कहाँ कमी थी। शेयर कीजिए सीरियस दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन अब लेना है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।